स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अर्चना शर्मा पर। यू कैन सी माई फेस, मैंने फेस वॉश कर लिया है। वी आर रेडी टू डू मेकअप। ये बेबी क्रीम ली है हिमालय की, तो हम सबसे पहले फेस को मॉइस्चराइज करेंगे इससे। तो अच्छे से पूरे फेस को मॉइस्चराइज कर लीजिए आप, और इसके बाद हम लगाएंगे कलर एसेंस की इंस्टाग्लैम बीबी क्रीम। यस, आज हम कोई फाउंडेशन और कंसीलर नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे बीबी क्रीम से पूरा मेकअप करेंगे। तो ये पाम पे मैंने ले लिया है, अपनी फिंगर टिप से पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे पूरे। यहाँ पे कोई ब्यूटी ब्लेंडर और मैंने स्पॉन्ज यूज़ नहीं किया है, आप अपने फिंगर टिप से ही पूरे फेस पे अप्लाई करें अपना बीबी क्रीम। मैंने ये अप्लाई करके ये अच्छे से अपने फिंगर टिप से ही इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लें। फिंगर्स की हीट से आपका मेकअप काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होता है ऐसा मुझे लगता है। तो आप भी अपने फिंगर टिप का यूज़ करें और पूरे फेस को कवर करें। यहाँ पे मैं अपने फोरहेड और पूरे फेस को अच्छे से बीबी क्रीम से कवर कर रही हूँ, आईलिड को भी। ये मैंने यहाँ पर अपने पूरे फेस पर लगा लिया हुआ है, ये पूरे फेस पर आप अप्लाई कर लें, ये अच्छे से मिक्स कर लें पूरे आईज पे, पूरे चिक्स पे आप अच्छे से मिक्स करें। नाउ ये हो गया, कितना शाइनी चेहरा दिखने लगा है मेरा। अब हम लगाएंगे, यहाँ पे मैंने अपना ब्लू हेवन का लूसेंट पाउडर लिया है, लूज पाउडर लिया है। आज मैं कॉम्पैक्ट नहीं लगाऊंगी, मैं लूज पाउडर से अपना पूरा मेकअप फिक्स करूँगी। डैप डैप करके आप अपने पूरे फेस पे, यहाँ पर मैं निकाल रही थी, आप पूरे फेस पे डैप डैप करके लगाएंगे, पूरा मेकअप सेट हो जाएगा। यू कैन सी, आप भी अच्छे से लगाएं और अपने मेकअप को लॉक कर दें लूसेंट पाउडर से। आप कोई भी कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मगर आज मैंने ब्लू हेवन का लूज पाउडर लिया है। यहाँ पे अब हम लगाएंगे आईब्रो फिल करने के, मैंने लिया है आज ब्लैक कलर की HR की पेंसिल। वैसे तो मैं ब्राउन कलर से फिल करती हूँ, वो बहुत नेचुरल लगता है, पर आज मेरी वो पेंसिल मिल नहीं रही थी, तो मैं अपने इसी ब्लैक कलर की पेंसिल से फिल कर रही हूँ। आज थोड़ा सा हो सकता है ओवर दिख जाए मेरी आईब्रोज़, बट कोई नहीं, मैं लास्ट मेकअप बहुत ही अच्छा निकला। यू कैन सी द डिफरेंस, यहाँ का शेप हो चुका है, इधर साइड थोड़ा सा अनइवन सी हो रही हैं मेरी आईब्रोज़ दिख रही हैं, बट अभी अच्छी दिखने लगेंगी। यू कैन सी द डिफरेंस, वाओ, पूरा डिफाइन कर देता है आपके पूरे फेस को जब आप अपने आईब्रोज़ को फिल करते हो। अब मैं जो झड़ गया है थोड़ा सा उसी स्पॉन्ज से अपनी आईज को, ये भूतू भूतू सी जो मैंने बना दिया है, ये मुझे अभी आई मेकअप करना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको हाईलाइट किया है अपने लिड को। अब यहाँ पर मैं अपना फेवरेट HR का आई शेडो पैलेट लूँगी और न्यूड शेड लूँगी यहाँ पर मैं पहले बेस बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले ये न्यूड शेड लगाएंगे, अपने आईज में बेस बनाएंगे। बेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जब बेस बनाएंगे आप तभी आपका आई शेडो अच्छे से उभर के आएगा और आपके आई को खूबसूरत बनाएगा। मैंने दोनों आईज पे लगा लिया है एप्लीकेटर की हेल्प से, बहुत नहीं लगाऊंगी, बस थोड़ा थोड़ा सा ही लिड्स पे लगा रही हूँ एप्लीकेटर से। यू कैन सी, नाउ इट्स टाइम टू कलर। मैं यहाँ पे पीची सा एक कलर जो है, ये वाला पीच सा कलर है, इसको मैं अप्लाई करूँगी जो कि मेरी ड्रेस से मिलता हुआ है। तो यहाँ पे हल्का हल्का हम इस पीच कलर से फिल करेंगे अपने आई लिड्स को। आप भी, यू कैन सी मैं कैसी भुत्तो टाइप की लग रही हूँ। ये तो आप पूरे आईज लिड को आप ऐसे, यू कैन सी द डिफरेंस, यहाँ पे अभी कलर है इस आई में नहीं है। अब नेक्स्ट आई पे भी हम लगाएंगे उसी तरीके से, हल्के हाथों से, बहुत रब नहीं करना है, हल्के हाथों से ही आपको पूरा आईज पे लगाना है ये कलर, पीच कलर का। यू कैन सी आपकी आईज कितनी प्यारी लगने लगी है अभी। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा ये गोल्डन, डार्क गोल्डन कलर है ऑरेंज कलर में, अब हम इसे थोड़ा थोड़ा लगाएंगे ताकि आई थोड़ा सा उभर के आ जाए, आपका कलर उभर के दिखने लगे आईज का। आई शेडो आपका सेम कलर को ही मैंने यूज़ किया, मैंने ज़्यादा कोई कलर यूज़ नहीं किए हैं। सेटल सा एक मेकअप करना है, आई मेकअप भी सेटल होना चाहिए। सो यू लुक सो डैम प्रिटी। ये मैं अब अपनी आईज को फिल कर रही हूँ अच्छे से, ब्लेंडिंग ज़रूरी है, आप ब्लेंड करें धीरे, मैं ब्रश से
हल्के हाथों से ब्लेंड कर रही हूँ, इस कलर से फिल कर रही हूँ। यह हल्का हल्का सा गोल्डन सा लगने लगा है, ऑरेंजेस गोल्डन सा लाइट सा एक सेटल सा लुक उभर के आ रहा है। यू कैन सी या आपको दिख रहा होगा। अभी थोड़ा और अब नीचे से इनर कॉर्नर को भी आप उसी ब्रश से इनर कॉर्नर बना लें, दोनों आइज़ की इनर कॉर्नर, और फिर आपकी आइज़ और भी खूबसूरत दिखने लगेंगी। ये यू कैन सी सो पिंकी आइज, पीची पिंकीज आइज। सी नाउ इट्स टाइम टू, जो भी आई शेडो थोड़ा थोड़ा आइज़ में झड़ गया है नीचे, तो मैं इस स्पॉन्ज से उसे ठीक करूँगी, स्पॉन्ज से ठीक करूँगी। यू कैन सी माई आइज़, मैंने एक आँख में आई लाइनर ऑफ कैमरा जाके लगा लिया है। नाउ मैं कैमरे के सामने दूसरी आई में फिल करूँगी। पतले पतले से आपको बिल्कुल हल्का लाइन ड्रॉ करनी है आपको। इट्स नॉट ईजी, आई लाइनर लगाना जितना खूबसूरत लगता है उतना लगाना इजी नहीं होता। हर कोई आई लाइनर नहीं लगा पाता, या मेरे से भी कभी कभी ब्लेंडर हो जाता, तो मैं बहुत संभल संभल के लगा रही हूँ। बट यू लुक सो डैम प्रिटी। मैं बहुत विंगी नहीं लगा रही हूँ यहाँ पे, मैं हल्का सा खूबसूरत सा कि आपकी आई सेटल, एक आपको आई मेकअप लगा करना है यहाँ पे, जो कि आपको ग्लैमर लुक दे। यू कैन सी मैंने लगा लिया है। अभी मैं ढूंढ रही हूँ मेरा मस्कारा, ये फेसेस का मेरा फेवरेट मस्कारा है, और इसको मैं हल्के हल्के से अपने पलकों पे लगाऊंगी, बहुत नहीं लगाऊंगी, बस हल्का सा। मैंने कहा ना सेटल मेकअप रखना है, नेचुरल दिखना चाहिए जो कि, और खूबसूरत भी। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया, मैं दूसरी आई पे भी लगा रही हूँ। अप्लाई करें आप भी मस्कारा, नीचे से देख के ऊपर की ओर हमेशा लगाएं, तो आपका मस्कारा कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब मैंने एक आँख में अपनी HR का ग्रीन काजल लगाया हुआ है। यू कैन सी दिस इज़ द HR का ग्रीन कलर आई लाइनर एंड काजल। इस टाइम पे ये मेरा करंट फेवरेट है, तो मैंने एक आँख में लगा लिया है। मैं दूसरी आँख में कैमरे के सामने लगा रही हूँ। मैं ब्लैक काजल नहीं यूज़ करती, मैं ब्राउन यूज़ करती हूँ। अभी करंट फेवरेट मेरा ये ग्रीन वाला है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इस टाइम पे मैं इसे लगा रही हूँ। आप भी एक्सपेरिमेंट करें, ब्लू ग्रीन वाइट, इस टाइम पे बहुत अच्छी रेंज आ रही है काजल में, सो आप भी ट्राई करें, बहुत अच्छा लगेगा आपकी आईज़ पे। या स्टन, आपको दिख रहा होगा हल्का ग्रीनी ग्रीनी मेरी नीचे से आई दिख रही हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा ठीक कर रही हूँ मेरा काजल स्पॉन्ज की हेल्प से। तो अभी ये ठीक हो गया है। इट्स नाउ टाइम टू अप्लाई लिपस्टिक। यू कैन सी काजल, ये है मेरी फेवरेट पिंक लिपस्टिक, बहुत पॉप कलर है ये, मैंने लोकल स्टोर से लिया था। मैट लिपस्टिक है, बहुत अच्छी मैट लिपस्टिक है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, आप कुछ भी खाएं ये जल्दी निकलती नहीं है। तो आज मैं इसी को अप्लाई करने वाली हूँ। अच्छे से अप्लाई कर लें अपने लिप्स पर, ये मैंने लगाया हुआ है। यू कैन सी मेरा मेकअप हो चुका है, इट्स फाइनल टाइम। तो जब मैंने ओपन हेयर रखे हैं, चांद बालिश पहनी हुई है, एंड नाउ इफ यू लाइक माय वीडियो गिव इट द थम्स अप एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।